नवाबों के शहर लखनऊ के ऐशबाग ईदगाह में कई हजारों की संख्या में नमाजियों ने ईद की नमाज के साथ एक दूसरे को ईद की बधाई दी। वहीं इस मौके पर विशेष इंतजाम भी किए गए थे। हजारों की संख्या में यहां पर सजाने हुए भाई और बहनों, ईद के मुबारक के मौके पर मैं आप सभी को दिली मुबारकबाद देता हूं। ईद का त्यौहार बड़ा प्यार का त्यौहार होता है और इसलिए आपके साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के सभी भाइयों बहनों और बच्चों को मैं ईद की मुबारकबादी देता हूँ। लखनऊ में और खासतौर से पूरे प्रदेश में बड़े खुशनुमा माहौल में मनाया जा रहा है और ये लखनऊ की गंगा जमुनी तहजीब है। एक तरफ रामलीला है, दूसरी तरफ ईदगाह है। ये अली और बजरंगबली के मानने वाले लोग जब साथ होते हैं तो देश का प्रदेश का विकास अपने आप में हो जाता है। आज इस पावन मौके पर उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से मैं पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों को ईद की मुबारकबाद देता हूँ। ईद का त्यौहार खुशियाँ लेकर के आया है। ईद का त्यौहार जहाँ मिठाई लेकर के आया है, लोग नए कपड़े पहन करके निकले हैं। मैं सब लोगों को मुबारकबाद देता हूँ ईद के त्यौहार पर। ईद के त्यौहार पर जहाँ भाईचारा बढ़े, आपस में मोहब्बत बढ़े, लोगों के बीच में दूरियाँ कम हों, ये मोहब्बत का पैगाम लेकर के भी ईद का त्यौहार आया है। ईद के इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, राज्यपाल राम नायक, उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा सहित कई गणमान्य लोगों ने ऐशबाग ईदगाह जाकर लोगों को ईद की बधाइयां दी और सेवइयां खाई। लखनऊ से अनिल सैनी, पंजाब केसरी टीवी।